इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। भाजपा की राहुल गांधी को लेकर के बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज करवाई है। दिग्गज नेताओं के खिलाफ हो सकती है गिरफ्तारी अब यहां पर। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरी खबर आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कर्नाटक में नड्डा और मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज। खड़गे के बेटे ने लगाया झूठा प्रचार करने का आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय और चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के तीनों पदाधिकारी कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठी, दुर्भाग्यपूर्ण और भड़काऊ सामग्री प्रसारित करते हैं। उन्होंने शिकायती पत्र में लिखा है कि यह समाज के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, अपने समर्थकों को उकसाने और भड़काने के इरादे से बयानबाजी करते हैं। बताते चले, प्रियांक खड़गे ने यह शिकायत अमित मालवीय के एक एनिमेशन ट्वीट पर की है। शिकायत में आगे कहा गया है कि एनिमेशन में राहुल गांधी कांग्रेस के विचारों, पार्टी और अन्य नेताओं को राष्ट्र विरोधी तत्वों के रूप में गलत तरीके से पेश करने के लिए मिमिक्री का इस्तेमाल किया गया है। ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, इसलिए इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने एफआईआर दर्ज करवाई है बीजेपी के तीन नेताओं के खिलाफ। इस समय की बड़ी खबर थी दोस्तों। राहुल गांधी को लेकर के लगातार भाजपा तरह तरह की खबरें फैलाती रहती है सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर के अब यहां पर कांग्रेस के नेताओं का जबरदस्त तरीके से गुस्सा फूटा है भाजपा पर। इस समय की बड़ी खबर थी दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी खबर को जान सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।